आप अपना नाम बताएं सर। मेरा नाम बिट्टू शर्मा। बिट्टू शर्मा जी हैं हमारे साथ, ये कुछ बताना चाह रहे हैं तो आप बताएं कि यहाँ पर आप कह रहे थे भीड़ कितनी है। भीड़ यहाँ पर पर डे की कम से कम 20,000 25,000 30,000 आदमी, संडे के दिन 30,000 कम से कम, पाँव रखने की जगह नहीं, जो कि प्रशासन से भी नहीं संभलती है भीड़, इतनी भीड़ हो जाती है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं आती है, सबसे बढ़िया जगह है, ना कोई पार्किंग का चार्ज लगता है यहाँ पर, और को लोग खूब नहाते हैं धोते हैं, कोई किसी प्रकार का फॉल्ट नहीं होता है, प्रशासन की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है फिलहाल। और थोड़ा व्यवस्था मंदिर के गेट पर आती है प्रशासन को लेकर, तो उसी में आती दिक्कत, थोड़ा जाम लग जाता है, बाकी और भाई कहीं इतना बढ़िया है, फुल रहता है यहाँ पर एकदम मस्ती एकदम लोगों की। गुड मॉर्निंग व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स एक्सप्लोर नॉर्वे बाय टीटी। मैं त्रिभुवन उत्तराखंड रामनगर और गर्जिया मंदिर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आप मेरे पीछे देख रहे हैं गर्जिया मंदिर, और आज हम रामनगर हैं कॉर्बेट नेशनल पार्क में, और हमने सोचा कि जो है यहाँ पर गर्जिया मंदिर में माता रानी का दर्शन करते हुए चलें, और आपके लिए एक नया शहर उत्तराखंड का रामनगर कॉर्बेट नेशनल पार्क वो एक्सप्लोर करने जा रहा हूँ। और जैसा कि आप देखेंगे पीछे मेरा पूरा गर्जिया मंदिर, और यहाँ पर श्रद्धालुओं की पूरी एक अच्छी खासी भीड़ दिखाई देती है, और एक बहुत बड़ा जो है क्या बोलते हैं ये मंदिर उत्तराखंड का, उत्तराखंड में रामनगर कॉर्बेट नेशनल पार्क में ये जो है जो मंदिर है इसकी बड़ी मान्यता है, और बड़े दूर दूर से यहाँ पर लोग आते हैं। मैं अभी कोशिश करता हूँ जितना मैं मुझे नहीं पता अंदर कैमरा अलाउड है या नहीं, अगर अलाउड होगा तो आपके लिए अंदर के माता रानी के गर्जिया मैया के दर्शन आपको कराऊंगा, बट अगर नहीं तो बाहर से तो मैंने आपको दर्शन कराना ही कराना है। अब आप इस लोकेशन की सुंदरता देखें, मैं कैमरे को रिवर्स करता हूँ, ये आप देखें ये जो है पूरी जो है कोसी नदी के साथ में ये बसा हुआ मंदिर, और ये श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ पर आती हुई। तो कुछ कावड़ियों से बात करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार बाबा जी, जय भोले, नमस्कार, कांबे हरिद्वार। अच्छा चलो एक हमारे भाई साहब हैं, इनसे जरा बात करते हैं, फोन करते हैं। आप करोगे? हाँ हाँ कर ले, कोई चीज पसंद आ लो हरिद्वार वाला। हाँ तो जी हमारे साथ एक जो है कावड़ लेकर के आ रहे हैं भक्तजन, उनसे बात करते हैं। आप अपना नाम बताएंगे पहले? मेरा नाम पंकज सिंह जलाल। पंकज सिंह? हाँ। पंकज सिंह कहाँ से हैं आप? हम रानीखेत से। रानीखेत के हो? हाँ। अच्छा जी, एक और रानीखेत के मिल गए हमारे, रानीखेत को जाग में। हम भैसोली से। भैसोली? भैसोली भैसोली। अच्छा से। अच्छा अच्छा। तो एक जो है अभी कावड़, तो ये थोड़ा सा कावड़ के बारे में बताएंगे, तो कैसे मतलब क्या कैसे पैदल पूरा हरिद्वार तक जाते हैं? हाँ हम तो सेवक लोग हैं। हाँ। ये खड़ी कावड़ है तो इसको नीचे नहीं रखते हैं, तो पूरा एक बार जल चढ़ा लिया तो खड़ी रहती है। मतलब कैसे शुरू करते हो, घर से जैसे निकलते हो? घर से तो गाड़ी में जाते हैं, गाड़ी में जाते हैं। वहाँ से जब जल लिया हरिद्वार तो फिर ये खड़ी रहती है। और वो बैगुंटी वाले कावरे हैं, दिन रात ये जब तक हम इसका जल नहीं चढ़ाएंगे मंदिर में तब तक ये इसको आप नीचे नहीं रख सकते, नहीं जमीन में नहीं रखते। और जो है मैंने देखा कई लोग पैदल भी वो बगैर चप्पल के चलते हैं। हाँ वो भी करते हैं। इसके पीछे क्या मान्यता है? वो तो अपनी अपनी श्रद्धा है, अपने अपने मन की, पैदल चलता है या वैसे करता है जिसकी इच्छा जो होगी वो होगा। तो ये पूरा सावन के महीने में चलता है। हाँ हाँ। तो आप सब लोग जो है रानीखेत से हो? हाँ हाँ, मछखाली। आगे बढ़ता है गाँव हमारा मछखाली। अच्छा, हमारे गांव में प्राचीन मंदिर है। मैं भी रानीखेत से ही हूँ। हम रानीखेत से 12 किलोमीटर हमारा गांव पड़ता है। अच्छा, यूनी मछखाली। अच्छा, गाँव हमारा शिवालय। अच्छा, और प्राचीन मंदिर है वो ऊपर जो है कालिका का एक मंदिर है, उससे पहले उससे बाद बाद उसके बाद उनके बाबा जी का भी मैंने अभी उनसे मुलाकात हुई थी, जो
क्या स्वरूपानंद बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, उनके पाँव नहीं है, उनसे भी बात करी थी पिछले पिछले हफ्ते ही बात करी थी मैंने, वहाँ गया था मैं तो। बहुत बढ़िया। तो कितना टाइम हो गया आपको वहाँ से चला हुआ हरिद्वार से? हम 18 को निकले थे। चौथा दिन है तो यहाँ से अभी रानीखेत पहुँचने में कितना और एक दिन लग जाएगा? दो दिन लगेगा, दो दिन सोमवार के दिन चल चढ़ेगा। सोमवार के दिन चढ़ जाएगा। अच्छा, सोमवार के दिन चल चढ़ेगा, बहुत बढ़िया। तो ये व्यूअर्स, ये जो है बड़ी तपस्या का काम है, इतना आसान काम नहीं है। बिल्कुल टाइगर ये सबके मुंह से बचते हुए आ रहे हैं हम तो। हाँ, और जो है सबसे बड़ी बात है कि ये आसान काम नहीं है, मतलब वहाँ से पैदल चल के आना, और ये जो इसका अपना वेट भी है, ये कंधे पर रखना, इसको नीचे नहीं रखना, तो बड़ी तपस्या वाला काम है। और आप सब लोग बड़े भाग्यशाली हो कि ये काम कर रहे हो। जय माता दी, शंकर भगवान की जय, जय राम वीर बजरंगे, हर हर महादेव, जय राम वीर बजरंगे, हर हर महादेव, हर हर महादेव, बम बोले संग बोले, बम बोले की जय, बोले की बम बोले। थैंक यू जी। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोर पिजोर मेरे पहाड़ को, डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओढ़ के ओढ़नी वादियां गीत सुनाए मीठे मीठे मेरे उत्तराखंड में। हो पिजोर पिजोर मेरे पहाड़ को, उत्तराखंड पर्यटन की ओर से। गंगड़े गंगड़े देखा, गंगड़े ले गया। हेलो हाय, छोड़िए, जय माता दी। तो व्यूअर्स, ये देखें आप सीढ़ियां चढ़ते हुए ओम रिधिमा और ऐसे सीढ़ियां चढ़ के हम पहुंचेंगे माता रानी के दरबार में।
अब मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ गर्जिया मैया के दरबार के लिए, और गर्जिया मैया के दरबार में पहुँचने वाला हूँ। होंगे होंगे देने मंगल तिलकम कुर्यात् अहो मंगल तिलकम कुर्यात् भद्रमस्तु महालक्ष्मी प्रसीदतु रक्षन्तु सदा देवा संपरां संतु सर्वदा चिरंजीवी आजाओ आजाओ शोभा जी दे प्रसाद प्रसाद लो आयुष्मान उधर से कभी उधर को निकलना है उधर से घूमना है यो सब यो चन सब यो ये तो मेरा भांजा है ये हाँ गौतम गोत हाँ त्रिभुवन तुला राशि अहम सपुत्र स्त्री कन्या बंधु बांधव सब हाथ लगा लो सपुत्र स्त्री कन्या बंधु बांधव जय हो माता रानी माँ भगवती नमस्कार पांडे जी धन्यवाद धन्यवाद। ये आप देखें गर्जिया मंदिर के ये पावन धाम की हम परिक्रमा कर रहे हैं। तो जी ये भैरव बाबा की गुफा जय हो। तो थोड़ा सा आपसे इतिहास जानते हैं इसका तो इतिहास तो ऊपर वाले बता दिया वही क्या। अच्छा तो ये भैरव मंदिर कितना कितना पुराना ये तो हमारा काफी पुराना है ये तो बनना होता था उन आगे बाद में बनाया गया नहीं। अच्छा ये पहले ये खाली गुफा टाइप की थी। हाँ ये गुफा टाइप की थी। हाँ तो फिर आगे अच्छा
तो जी व्यूअर्स, ये जो है बाबा का भैरव बाबा का गुफा बोलते हैं, यहाँ पर शिव जी विराजमान हैं और यहाँ पर पूजा पाठ होती है, श्रद्धालु बड़े उसके साथ दर्शन करते हैं। आपका शुभ नाम पंडित जी? मेरा नाम तारादत्त। तारादत्त, तो तारादत्त जी से हमने बात करी, बहुत बहुत धन्यवाद तारादत्त जी का। नमस्कार जी। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। तो जी व्यूअर्स, ये यहाँ पे दुकानें हैं और ये हमारे जो है सतविंदर सतवंत सिंह राठौर, ये हैं। कहाँ से हैं ओरिजिनली? चंडीगढ़? नहीं, वैसे काशीपुर के हैं। काशीपुर माल चंडीगढ़ से। अच्छा, कुल्लू मनाली। तो ये कुल्लू मनाली से और चंडीगढ़ से जो ब्रांड के जो हैं लेकर आ रहे हैं और इन्होंने एक हमें भी चश्मा जो है दे दिया है। ब्रांड का नाम है वाजीवा ब्रांड और इनका ब्रांड है वाजीवा। तो वाजीवा ब्रांड का चश्मे जिसको चाहिए, गर्जिया के भैरव मंदिर के बिल्कुल सामने, ये भैरव मंदिर है जहाँ हमने अभी दर्शन करे, इनके बिल्कुल सामने जो है वाजीवा वाले जो हैं चश्मे वाले हमारे भाई साहब मिल जाएंगे आपको और इनसे आप चश्मे लें, बहुत बेहतरीन चश्मे ये दिलाते हैं। ले खींचना, मेरी भी खींचना, ओके। तो व्यूअर्स ये देखें आप, शोभा जी जो है और ओम तिवारी दोनों जो है पानी में खेलने के लिए आतुर हैं। ये देखें ओम तिवारी पानी में उतर गए एकदम, ये देखिए ओम तिवारी एकदम पानी में उतर चुके हैं। हाय, स्टे देयर, स्टे देयर, यस, हाउ यू आर फीलिंग? ओके, टेल मी समथिंग, हाउ यू आर लाइकिंग दिस प्लेस? रियली गुड। तो व्यूअर्स, ये जो पीछे आप मेरा एरिया देख रहे हैं, कॉर्बेट का पूरा जंगल का एरिया है जिसमें जानवर रहते हैं और ये कॉर्बेट नेशनल पार्क इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट पार्क है और यहाँ पर कई मूवियाँ शूट हुई है, उनमें से एक अजय देवगन की सबसे फेमस मूवी आपने देखी होगी जिसमें जो थ्रिलर था और उसमें जानवरों ने कई उसको हॉरर मूवी थी वैसे, थ्रिलर हॉरर, वहाँ पर जो है कई जंगली जानवरों ने कैसे उन सैलानियों को मारा वो सब उस मूवी के अंदर दिखाया है। काल थी ना मूवी, काल मूवी थी, तो वो आप मूवी को रेफ़र करें और ये वही जगह है जहाँ पर उसकी पूरी शूटिंग हुई है। चलिए बाय बाय, टेक केयर। तो ये है जी सिकंजी पॉइंट और यहाँ पे भैया आपका नाम क्या है? सोनू। तो सोनू जी हमारे लिए सिकंजी बना रहे हैं और इनकी सिकंजी पी के देखते हैं और ये बिल्कुल भैरव मंदिर के सामने इनका स्टॉल है और इस तरह के आपको जब गर्मी लग रही हो, गर्मी में आप यहाँ विजिट कर रहे हो तो इनकी सिकंजी आप ज़रूर पिए। तो सोनू जी से पूछते हैं कि सोनू जी कितनी सिकंजी बन जाती है पूरे दिन की? पूरे दिन की सिकंजी साहब इस टाइम तो हल्का ही है। हाँ, वरना 100 गिलास तो हम बेच देते सीज़न में। अच्छा, 100 गिलास बिक जाते हैं। अच्छा, इस टाइम तो यही है, 20-25 गिलास भी मुश्किल से हो पा रहा। और यहाँ पे कितना टूरिस्ट जो है गर्मी में आता होगा पर डे आपके हिसाब से? गर्मी में देखो टूरिस्ट का कोई वो नहीं है, कितना आ जाए। तो व्यूअर्स, मैंने आपको गर्जिया मंदिर के दर्शन कराए, अंदर जो है जो पुजारी जी महाराज थे पांडे जी वो मिल गए, वो भी हमारे जानने वाले थे, साथ वाले भी थे और उनकी जो वाइफ हैं वो मेरे जो हमारी शोभा जी हैं मेरी वाइफ हैं उनकी क्लास फेलो रही हैं, तो काफ़ी अच्छा इंटरेक्शन गर्जिया मंदिर के पुजारी जी से हुआ पांडे जी से और उन्होंने अपने घर पे भी बुलाया है, कोशिश करते हैं उनसे मिलने की। और आप देखें ये गर्जिया मंदिर का पावन धाम, माता रानी का ये जगह जहां पर हजारों श्रद्धालु डेली जो है दर्शन करने आते हैं और पीछे जो है कोसी बह रही है, आप देख रहे हैं बिल्कुल कलकल करती हुई कोसी और लोग जो हैं पानी में इंजॉय करते हैं और सारे लोग यहाँ पर बड़ा इन्जॉय करते हैं। चलिए थोड़ा सा आपके लिए और स्नैपशॉट लेकर आता हूँ और ये रामनगर का ब्लॉग आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा मैं उम्मीद करता हूँ। इसी के साथ इस ब्लॉग का एंड भी करता हूँ और व्यूअर से उम्मीद करता हूँ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें और उत्तराखंड में अगर आप आते हैं और ख़ासकर कॉर्बेट आते हैं तो गर्जिया मंदिर के दर्शन ज़रूर करें। माता रानी का आप सब पर आशीर्वाद बना रहेगा, दर्शन करें, बहुत अच्छी लोकेशन है, इसका लोकेशन का एंजॉय भी करें और उत्तराखंड का
और ख़ासकर कुमाऊं रीजन में आने पर, नैनीताल में आने पर ये लोकेशन मैं सारे टूरिस्ट को रेकमेंड करता हूँ। चलिए फिर होती है एक दूसरे ब्लॉग में मुलाकात, तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। बाय बाय, टेक केयर।